नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रसेन और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार कांड की 100वीं बरसी के मौके पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ब्रिटिश संसद में 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार कांड पर दुख जताते हुए कहा है कि ये जो पूरा नरसंहार हुआ ये भारत और ब्रिटेन के इतिहास पर एक शर्मनाक धब्बा है। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि हमें बेहद ही अफसोस है जिस तरीके से ये त्रासदी हुई है और लोगों को इस त्रासदी में भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1997 में जलियांवाला बाग जाने से पहले उन्होंने कहा कि ये भारत के साथ हमारे अतीत के इतिहास का एक दुखद उदाहरण है। वहीं जब ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठाया गया और वहां की प्रधानमंत्री ने इस नरसंहार पर दुख व्यक्त किया तो उसी दौरान संसद में मौजूद विपक्ष के लेबर पार्टी के नेता ने कहा कि जिन लोगों ने इस पूरे नरसंहार में अपनी जान गंवाई है उनसे माफी मांगी जानी चाहिए। आपको बता दें, ये पूरा जो नरसंहार था ये 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था और आज उसकी 100वीं बरसी है और जिसके मौके पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, उस पूरे नरसंहार पर दुख जताया है। आपको बता दें, ये पूरा नरसंहार दरअसल रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्ते लोगों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां बरसाई थी और उसमें कई सौ लोगों की जान गई थी। हालांकि ब्रिटेन का हमेशा से ही यह दावा रहा है कि उसमें सिर्फ 400 लोगों की जान गई थी, जबकि भारत हमेशा ही ये कहता रहा है कि इसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको बता दें, इससे पहले भी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने इस पूरे जलियांवाला हत्याकांड को एक गंभीर और शर्मनाक कृत्य करार दिया था। 2013 में वो भारत के दौरे पर आए थे और तब उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था और कहीं ना कहीं ये जो पूरा हत्याकांड है ये एक भारत और ब्रिटेन के जो इतिहास है उस पर एक शर्मनाक धब्बा है। दरअसल जो फिलहाल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं टेरेसा, उनका कहना है कि ये जो पूरा कृत्य है ये भारत और ब्रिटेन का जो इतिहास है उस पर एक शर्मनाक धब्बा है। लेकिन वहीं जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ है बेहद ही गंभीर कृत्य था, जिस तरीके से हजारों लोगों की जान इस पूरे हत्याकांड में गई थी। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।